अच्छा, चलो बेसिक, सबसे पहले बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न है क्या। तो इसके बारे में तो हम सबको ही पता है, ठीक है ना। ये तो बेसिक सी चीज़ है कि एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिस पे हम चीज़ों को सेल कर सकते हैं। बेसिक तौर से इसमें आती हैं बातें जो कि हर आप में से कईयों को पता भी होंगी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होती कि बेसिकली कि इसमें ये FBA और FBM, ये एक ना बहुत ही बड़ा और इसका ना मेन पार्ट होता है इस चीज का पूरे का ना, यानी कि हम जो अपना अमेजोन पर अपना स्टोर बनाएंगे उसमें काम करेंगे। FBA और FBM बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये कि आम को नहीं पता होता, लेकिन जो बंदा अमेजोन पर काम कर रहा है उसको तो पता होगा हर बंदे को। तो आप में से किसी को FBA या FBM का डिफरेंस का पता है, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसको देखते हैं FBA को, कि FBA होता क्या है, ठीक है। तो जो हमारे पास FBA है वो एक मॉडल है, समझ ले। जिस इसमें ये होता है कि हम जो होते हैं अपना वो ये अपना अपने अमेजोन पे जो स्टोर बना लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसको देखना होता है कि हमने वो चीज खुद, हमने वो देखना होता है कि वो चीज हमने खुद शिप करनी है या कि वो चीज अमेजोन ने शिप करनी है, ठीक है। तो उसमें दो मॉडल होते हैं, FBA और FBM। वो मॉडल, वो तरीकाकार जिसके अंदर जो हमारी चीजें होंगे, जो हमारे हमने जो भी चीज बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ एक हैंड फ्रीज ही बेच रहे हैं, अगर वो हैंड फ्रीज हमने ली है, बाय की है और हमने उसको भेज दिया है वेयर हाउस में, अमेजोन के वेयर हाउस में अपने नाम से, ठीक है। तो अब आगे से अगर कोई भी आप, मैं, ये कोई भी बंदा उसको ऑर्डर करता है, तो जिस भी घर ऑर्डर करता है एड्रेस के ऊपर, उस पर हम शिप नहीं करते, बल्कि अमेजोन ऑटोमेटिकली उसको अपने वेयर हाउस में वो स्टॉक हमारा पड़ा होता है, वहां से जितने उसने जहां जहां पे जितने जितने का पैकेट का ऑर्डर आया होता है उसको वहां से लेता है, उसको वो पैक करता है। अच्छा एक क्वेश्चन जी जी है, ये FPF जो है आप बता रहे हैं, ये PL में होता है या ड्रॉप शिपिंग में भी होता है? FBA और FBM हर चीज में ही होता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। FBA होता है कि हम सिंपल सी बात हो गई है कि ये देखे ना कि दो मॉडल आ गए, कि एक होता है कि हम खुद भेज रहे, एक होता है कि अमेजोन हमारी चीज को भेज रहा है, ठीक है ना। अगर हम, तो अब आप देखो अगर PL भी करते हो ना, तो PL FBA ही होता है मोस्टली, ठीक है, कि लोग इतना टाइम नहीं कर रहे होते हैं कि, लेकिन PL FBM भी हो सकता है PL में, कि आप लोग खुद अपना वो अपना PL तो यही होता है ना कि अपने प्राइवेट लेबल होता है, अपना स्टोर खुद बनाया होता है, कोई अपनी चीज अपने ब्रांड के नेम से बेच रहे होते हो, ठीक है। तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप उसको कह दे सकते हो कि मैं इसको अपने घर से शिफ्ट कर लेता हूँ शिफ्ट, ठीक है। इनकी फीसेस डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि देखे ना FBA में होता है कि FBA में अमेजोन हमारे स्टोर को, हमारी चीजों को अपने स्टोर में हैंडल भी कर रहा होता है, वहां से वो शिप भी कर रहा होता है, तो FBA में हमारे पास वो भी चार्जेस होते हैं, क्योंकि अमेजोन के शिपिंग चार्जेस, वो अमेजोन खुद शिप कर रहा होता है, और मोर ओवर अमेजोन के हैंडलिंग चार्जेस, वेयर हाउस का रेंट, वो सब चीजें उसमें ऐड हो रही होती है। जबकि FBM ये चीज होता है कि FBM को हम ऐसे करते हैं कि FBM में डिलीवरी कि डिलीवरी हमने खुद करनी है। हमने खुद करनी है। मैं एक मिनट, ये ना इनको एडमिट कर लूं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने जो भी चीज है उसको खुद डिलीवर कर, जो हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना बेसिकली, वो FBM होता है कि हम कहीं से किसी चीज का माल उठाते हैं किसी और शॉप से और उसको खुद, यानी कि वो करते हैं तो वो हम किसी और से शिप करवा लेते होते, लेकिन अमेजोन उसको FBM करता है, क्योंकि उसमें अमेजोन शिप नहीं कर रहा होता, हम खुद शिप कर रहे होते, ठीक है। तो ये बेसिक सा मतलब डिफरेंस आप लाइक हमने किसी से प्रोडक्ट एक लिया है, उसको अगर शिप किया है तो वो हम अमेज़न के थ्रू करेंगे या खुद पर्सनली करेंगे शिप? बात है। तो सिंपल सी बात ये है कि FBA, ये हर जो हमने चीज ले ली, ठीक है, बेशक हमने वो PL में या होलसेल में, ड्रॉप शिपिंग FBM होता है, ड्रॉप शिपिंग FBA नहीं होता, ठीक होलसेल हो गया। और PL में हम FBA करते होते हैं, FBA कर सकते हैं, ठीक है। FBA ये चीज है कि आपने कहीं से भी वो चीज ली है,
बाय किए, ठीक है, जहां से मर्जी लिया और उसको आपने भेज दिया आगे अमेजोन के वेयर हाउस में अपने स्टिकर लगा के, आपके जो लेवल का जो ना बार कोड का स्टिकर होता है वो प्रिंट होता था, आपने हर पैकेट के ऊपर वो स्टिकर लगा के तो आपने अमेजोन को भेज दिया। अब आगे अमेजोन आपका वो स्टिकर को यानी आपकी वो चीज को आपका जहां से भी ऑर्डर आ रहा है, जिस भी कंपनी से, जिधर से भी ऑर्डर आ रहा है, उस ऑर्डर को वहां से ले रहा है और लेने के बाद उसको वो आगे उसमें शिप भी कर रहा है कि ऑर्डर उसको ले लिया था, ऑर्डर उसको रिसीव कर लिया कि ये इस बंदे का इस नाम का ऑर्डर है, ठीक है, और इसको फलानी जगह पे शिप करना है। तो उसको अमेजोन खुद ही देखेगा हमारे वेयर हाउस में जहाँ पे अपने उसने हमारा पड़ा होगा, उसको वहां से उठाएगा, उसने को पैक करेगा, पैक करके पैकेजिंग तो पहले की होती है लेकिन उसको रैप करके ऊपर अपना दोबारा वो अपने वो उसका एड्रेस एड्रेस वगैरह लिख के और उसको उस एड्रेस पे भेज देगा और उसकी हमसे फीस चार्ज करेगा कि हमने वो चीज को उसने हैंडल किया, उसको वेयर हाउस में जगह ऑक्यूपाई की है, उसके बाद उसने उसको शिप किया तो उसकी अपनी फीस चार्ज करेगा। एफबीएम ये होता है कि आप अमेजोन पे हमने अपनी कोई भी लिस्टिंग लगाई हुई है, लिस्टिंग अपनी क्रिएट की हुई है, उस पर ऑर्डर आया, ऑर्डर हमने उसको कहा हुआ था कि अमेजोन को एफबीएम किया हुआ था कि मतलब वो स्टॉक हमारे पास पड़ा है, अमेजोन के पास नहीं पड़ा, हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इस बंदे ने ऑर्डर किया है, इसका ये एड्रेस है, ये सारा कुछ। तो हमने उसको खुद पैक करना है और खुद पैक करने के बाद हमने उसको भेज देना है उस एड्रेस पे, खुद शिप करना है। ये होता है एफबीएम, ठीक है, एफबीएम में खुद शिप करना होता है, एफबीएम में हम लोगों ने अमेजोन ने शिप करना होता है, हमारा इसमें कोई काम नहीं होता, हम अमेजोन को फीस पे कर रहे होते हैं। एफबीए की अलग फीसिज है, एफबीएम की अलग फीसिज है, अमेजोन अपनी फीस एफबीए की अलग चार्ज करता है, एफबीएम की अलग चार्ज करता है, अपने अपने रेट है, उसके उसके हिसाब से वो चीजों को चार्ज करता है, ठीक है। तो एफबीएम की फीस तो हम खुद लेंगे ना, क्योंकि हम खुद ही डिलीवर कर रहे हैं। Amazon एक में प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर रहा है ना, वो तो ठीक है, ठीक है ना, तो वो अपने उस प्लेटफॉर्म की फीस चार्ज करेगा। यानी FBM का मतलब ये है कि Amazon ने इसमें सिर्फ अपने ऊपर हमने जो उसकी लिस्टिंग क्रिएट की और हमने और Amazon ने हमें बायर दिया, तो Amazon उसकी फीस ले रहा है FBM की, कुछ ना कुछ तो Amazon उसकी फीस लेगा। मतलब Amazon ने आपको हायर किया हुआ है। Amazon ने, आप मेरी बात को नहीं समझे, FBM का मतलब ये है कि हम Amazon को यूज कर रहे हैं ना, हम Amazon पर अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं और Amazon के थ्रू ही हमें बायर मिल रहा है, तो वो बीच में एक मिडिल पर्सन का प्ले कर रहा है रोल FBM के अंदर, कि हम उसको यूज कर रहे हैं उसको लेने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए हम उसको अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं और वो हमें इन रिटर्न बायर दे रहे हैं, तो वो अपनी उस चीज की फीस पे कर रहे हैं, हमसे चार्ज कर रहा है कि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कि हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां से हम अपने बायर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसकी फीस अलग है होती है। FBA जो होता है, FBA ये होता है कि FBA में हम खुद वो Amazon जो होता है, लगी समझ। हाँ जी, चलो, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो इसके बारे में बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। करें फिर मूव ऑन अगले पे स्टेप। जी करें, ठीक है, ठीक है। तो आगे ना Amazon के डिफरेंट मॉडल्स है जिसपे Amazon ना काम करता है, ठीक है, वो PL भी है, होलसेल भी है, ड्रॉप शिपिंग भी, ठीक है। तो इस पे डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसके स्टार्ट में तो कुछ लेना चाहिए, स्टार्ट ना आप होलसेल पे चले जाएं या ड्रॉप शिपिंग पे चले जाएं या पहले आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि PL जो है रिस्की है, ठीक है, इस पे लॉसेस के चांसेस 80% से भी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट लॉस हो सकती है, और वैसे भी PL एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अब ये एक माइक्रो PL भी स्टार्ट हुआ है। माइक्रो PL ये होता है कि जैसे अभी न्यू मार्केट्स हैं जिसमें Amazon इनोवा, जैसे कि सऊदी अरेबिया की मार्केट है, UAE की मार्केट है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है, तो यहाँ पे Amazon अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, तो वहां पे इतना पोटेंशियल अभी नहीं है Amazon का, तो वहां पे हम थोड़े पैसों के अंदर अपना प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मॉडल है जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन पहले PL पे डायरेक्टली जाना एक बेवकूफी भी हो सकता है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको, आपको उसे बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं उस काम में, सही हो गया, ठीक है।
अभी इसके ना जो बेसिकली जो अमेजोन के जिसपे सब लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं, इसके तीन मॉडल होते हैं। पीएल जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं, होलसेल होता है, होलसेल और ड्रॉप शिप। बताइएगा। मैं बताता हूँ आप, ठीक है। जो पीएल ये होता है, कि पीएल होता है प्राइवेट लेबल, उसके अंदर हम लोगों ने अपना स्टोर क्रिएट करना होता है, अपने नाम का अपना एक ब्रांड क्रिएट करना होता है। जस्ट लाइक कि आप अगर कुछ भी सेल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक ना बैग सेल कर रहे हो, ठीक है, तो बैग आप चाइना से ले रहे हो या पाकिस्तान से, जहां से भी ले रहे हो और उसको सेल कर रहे हो, तो आप उसको अपने नाम से सेल कर रहे हो, उसको आप अपने नाम से बेच रहे हो, वो नाम आपके साथ मुंसलिक हो गया, ठीक है, तो वो आप कोई और नाम भी नहीं आपका यूज कर सकता। मोर ओवर वो एक आपका एक ब्रांड बन गया, सारा कुछ आपने उसका किया, आपने उसको पहले हंट किया, सोर्स किया, पिक्चर प्रोडक्ट की पिक्चर खिंचवाई, उसको लिस्ट किया, सारा कुछ किया, ठीक है। ये होता है पीएल। पीएल लंबा और हेक्टिक प्रोसेस होता है कि आपने पहले उसमें पूरी तरीके से पहले सर्च करना होता है, प्रोडक्ट को सर्च करना है, ठीक है, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया पे पूरा उतरना है प्रोडक्ट, उसके बाद आप लोगों ने फिर उसके बाद उसकी उसको सोर्सिंग करना है कि आपको कहाँ से वो मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है और उसकी अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है। उसके बाद आप लोगों ने उसको देखना है कि वो यहाँ मिल गया, तो अब हमने उसको शिप करवाना है अमेजोन के स्टोर में, फिर हमने उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, फिर उसको ऊपर वाली लिस्टिंग में लाने के लिए आप लोगों ने उसमें अपनी पीपीसी कंपेन्स चलानी है, प्रोडक्ट को अपनी मेंटेन करना है, अपर कीपर्स पे लेके आना है, ठीक है। तो ये एक सारा लंबा प्रोसेस होता है पीएल का, जो कि हम लोग कल से इंशाल्लाह तआला ना पीएल को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो होलसेल ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल होलसेल ये नहीं होता कि किसी भी यानी कि हम के साथ कर लें, होलसेल ये चीज़ है कि जस्ट लाइक आप ले लें डॉलर को ले लें, ये डॉलर पेन को ले लें, या ये डॉलर जो स्टेशनरी का है, या पियानो को ले रहे, ठीक है। तो अगर देख लें कि अगर पियानो वहां पे सेल कर रहा है अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो कि ड्रॉप शिपिंग को यानी कि वो सॉरी होल सेल को अलाउड करते हैं, यानी मीटू, हम उसको मीटू का नाम भी देते हैं, मीटू लिस्टिंग को अलाउ करते हैं कि हम उनके साथ जाके मीटू कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पे ये होलसेल ये होता है कि हमें प्रोडक्ट को सर्च नहीं करना पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ना पड़ता, हम सीधा जाते हैं और उसको उसके साथ मीटू कर देते हैं। मैं उसकी ना आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक मिनट।
मुझे ना अभी कोई ना ऐसे प्रोडक्ट ना मिल नहीं रही जो कि ना ऐसे हो, वो हम ना उसको वो कर रहे हो, वो सॉरी वो कर रही हो, उसमें होलसेल किसी ने उसको किया हो। मैं देखता हूँ यार, मैंने ना थी प्रोडक्ट्स वो ड्राइंग बुक्स में थी और उसमें भी थी स्टेशनरी। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही। ये देखो मेरी, ये देखे ना कि अगर ये जो ब्रांड है ये विलियम मॉरिस एवरीडे पेन सेट, ठीक है, ये विलियम मॉरिस कंपनी है, ठीक है, जो कि ये पेन विलियम मॉरिस कंपनी का ये पेन सेट ये बेच रहे, ठीक है, ये इनका स्टोर नेम इधर नीचे दिया होता है, ठीक है, ये अपना इधर से ये सारी ना उसके बारे में उसने दिया हुआ है, उसका ये सारा सारी जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो ये सारी होती है, ठीक है, और उसके बाद ये ना सारा उसके बाद नीचे सजेशन वगैरह हमारे पास सारी होती है। ये फिर आ जाता है कस्टमर रिव्यू, कि जो उसके बारे में कस्टमर, अब इसकी 4.7 रेटिंग है, तो मतलब ये कि एक अच्छा या नहीं के है सर, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा ना इस पे कस्टमर रेटिंग पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रीज में लोग ना ये जो रेटिंग को देख ज्यादातर अपना प्रोडक्ट का अपने डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमने इनसे बाय करनी है कि नहीं बाय करनी, ठीक है। ये सारी इसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है, उसमें क्या चीजें होंगी क्या चीजें नहीं होंगी, ठीक है, तो ये हम सारा उसके डायमेंशन कितने में उसका पैक आएगा, पैक में कितने होंगे, सारा कुछ होता है, ठीक है। तो अब ना अब ये मेन यहाँ पे ऐसे होता है कि अब ये एक बंदा ना विलियम मॉरिस एवरीडे पेन सेट को बेच, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ना इनकी वेबसाइट पर चल जाता है, ये विलियम मॉरिस वालों, ठीक है, वो वहां पे जाके ना उनसे पूछता है, उनको एक मेल के थ्रू या किसी तरीके से पूछ लेता है कि क्या आप हमें अलाउड करते कि हम आपकी ये चीज खुद बेच सकें अपने किसी भी स्टोर पे, तो वो उसको कंपनी अलाउड कर देती ना जब, तो वो कंपनी से एक लेटर ले लेता है, ठीक है, और वो लेटर लेने के बाद वो अमेजोन पे वो लेटर देता है कि मुझे इस कंपनी ने परमिशन दी है कि मैं उनका सेल कर सकता हूँ, ठीक है, फिर वो इसमें आता है अमेजोन के ऊपर और किसी भी ना लिस्टिंग क्रिएट जिसकी की होती है। अब ये जो स्टोर वाला बंदा है इसने अपनी लिस्टिंग क्रिएट की, ठीक है, इसने इस पर सारा किया, इसको रैंक किया, सारा कुछ उसने किया, अगर जब उसको सर्च करते तो सबसे ऊपर ये आता है, ठीक है, वो इसको बेच रहा है 12 पाउंड में, 12.12 पाउंड में, ठीक है, हमने वो एमा हमें समझ लो हमने विलियम मॉरिस के डायरेक्ट वेबसाइट से देखा या हमने कहीं और से देखा, ठीक है, तो हमें वो बड़ा सस्ता, हमें वहां से शायद समझ ले 5 के मिल गए ये पैक 5 पाउंड का, तो हम ऐसे करते हम आते हैं डायरेक्ट, हम यहाँ जाके उसी के नीचे ना मीटू कर देते कि आप मेरे से ये 11 रुपए 11 पाउंड और 40 पैसे का ले, ठीक है, तो ये होता है होलसेल, इसको हम मीटू करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हमें इसमें कौन से प्रोडक्ट हमने पहले बाय करना पड़ेगा हमें पहले ये प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट हमें इससे नहीं बाई करनी पड़ेगी, जो ये सेलर बेच रहा है ना 12 रुपए का, 12.12 पाउंड का, हमें इससे नहीं बाई करना पड़ेगा, लेकिन हमें कहीं से तो ये प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी ना, हाँ ठीक है ना, तो हम वॉलमार्ट पे जाएंगे या हम इस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएंगे या कहीं से भी देख लेंगे जहां से हमें ये प्रोडक्ट इस तरह की सस्ती मिल जाए। अच्छा, हम देखेंगे कि यार ये प्रोडक्ट हमें यहाँ से सस्ती मिल रही है, ठीक है, हम आराम से यहाँ से इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, इधर आके देखेंगे अच्छा ये 12 रुपए की दे रहा था, हम इसको इतने में सेल कर सकते हैं तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें फिर ना हमें ये इसका ना ये सारा इसमें सारा कुछ दिया हुआ है चीजों के बारे में, तो हम इसको पहले ना अपने जो होता है ना FBA कैलकुलेटर हम लेते हैं वहां से, ठीक है, और FBA कैलकुलेटर के थ्रू हम फिर इसको ना सारा कर लेते होते हैं कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं, हमें कितने का पड़ेगा। मैं आपको FBA कैलकुलेटर का भी बता देता हूँ, पीसीज का कैसे कैलकुलेट करते हैं।
एफबीए कैलकुलेटर, एफबीएम कैलकुलेटर, ये डिफरेंट होते हैं सबके लिए, ठीक है। इसमें हम पहले अपना कंट्री सेट कर लेते होते हैं कि हमने किस में बेचना है, यूएस में बेचना है, कनाडा में बेचना है, मैक्सिको, ये हमने उधर का ही खोला है, ठीक है। अगर हम यूके का खोलेंगे तो हमें फिर यूके का आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह इसको करते होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर अपने वो ना ये पेज ये देखिए, मैंने पिछले आपको सब चीजें नजर आ रही हूँ, ये वाली पुरानी ISAN नंबर होता है, जो कि ना हर प्रोडक्ट का यूनिक नंबर होता है, ठीक है। अब मैं समझ रही, ये देखो मैंने कोई पुराना दिया होगा, किसी सर्च की होगी, मैंने ये नंबर दिया, उसको मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये देखें, जब मैंने सर्च स्टार्ट किया तो ये सिल्वराइन A4 चिल्ड्रन वैल्यू ड्राइंग पैड शीट है, ठीक है। ये मैंने एक बार इसको ट्राई किया था होलसेल करने के लिए, लेकिन ये हुआ था कि ये मेरे से, यानी कि वो हुआ नहीं था, क्योंकि ये ना मुझे जो जहां से मिल रहा था उसके हिसाब से ये महंगी पड़ रही थी। मैं आपको अभी इसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी खोल के देता हूँ, ये देखिए, ये वो प्रोडक्ट है सिल्वर A4 चाइल्ड वैल्यू ड्राइंग, ठीक है। और ये वो, ठीक है, तो उसको मैं तब देख रहा था, और इसकी अब ना ये देखिए, ये इसकी सारी डायमेंशन लिखी हुई है, ये प्रोडक्ट की डायमेंशन इतनी है, ये उसका वेट होगा, ये उसका होता है ASIN नंबर, जो कि हमने वहां पे ये पेस्ट किया था, ठीक है। तो हमें वो आ गया था। अब मैं बताता हूँ इसमें, अब देख लें कि इसकी डायमेंशन 10x10x10 inches, स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं स्क्रीन अब खत्म हो गई। दोबारा, अच्छा देखिए, अब हमने ये देखिए, अब इसमें दो तरह के कि Amazon fulfillment, your fulfillment, Amazon fulfillment, इसका मतलब है your fulfillment के मतलब कि FBM ये होगा कि उसकी fulfillment होगी Amazon करेगा FBA। तो हम यहाँ पे सिंपल समझ लें, इसकी प्राइस लिख लेते हैं 8.12, यहाँ पे भी 8.12 ही लिखते हैं, यानी कि हमें करना था, हमने एक होता है, लेकिन हम दोनों को साथ साथ चल, ठीक है। शिपिंग प्राइस हम कर लेते हैं 0 के, हम फ्री शिपिंग, ठीक है। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट, हमारी फुलफिलमेंट कितनी आएगी, ठीक है। तो हम इसको आई डोंट नो भी कर लेते हैं, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट हम फुलफिल कर लेते हैं कि ओवरऑल हमारी इसमें कितनी आएगी, तो हम कह लेते हैं 2, हमारी इसमें आएगी 2 pounds, हम एक अंदाजा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब शिप टू अमेजोन, अमेजोन में फुलफिलमेंट की हमें कितनी आएगी, कि अगर अमेजोन हमें फुलफिलमेंट करेगा, अमेजोन तक हमने देखो ना, अगर प्रोडक्ट हमने बाय किया चाइना से, तो एक प्रोडक्ट को चाइना से यहाँ तक लाने में कितना हमारा खर्चा आएगा एक यूनिट के ऊपर, तो हम समझ लेंगे, लगा लेते हैं 3, ठीक है। उसके बाद ये देखें, इसमें मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, इसमें हम लगा लेते हैं हमारे, हम 0 कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समझ लें घर में पड़ी हुई है, तो हम तो नहीं कर रहे। तो एवरेज यूनिट स्टोर्ड, हमारे पास कितने यूनिट स्टोर रहा करेंगे, तो हम इसको कर लेते हैं कि अराउंड 100, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं अराउंड 100, और इसके बाद आए थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि ये हमें प्रोडक्ट कितने की पड़ी, हमें ये जो हमारी लैंडिंग कॉस्ट है वो कितने की है, तो हम कर लेते हैं जी 2 रुपए की, 2 की हमें ये प्रोडक्ट पड़ी, ठीक है। और हम इसको कहते हैं कैलकुलेट। तो अब ये देखिए, अभी यहाँ से पता लग रहा है कि अगर हम इसको फुलफिलमेंट खुद करेंगे अपने पास, ठीक है, Amazon के FBM करेंगे, तो इस ये सारे हमारे पास आएंगे, तो Amazon की फीसिस वगैरह डाल के हमें इस पे $2.90 पर प्रोडक्ट पर यूनिट हमें बचेंगे, और इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा 35.71%, कितना हमारे पास इसका, हमारे पास वो होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस रेट पर Amazon फुलफिलमेंट से करते हैं, तो Amazon इस पे अपनी, ये देखें 2.70 Amazon इस पे अपनी फीस चार्ज कर रहा है सेंड करने का इसको, ठीक है। जो होलसेल है, ये FBA FBM दोनों होता है? हाँ, होलसेल FBM FBA होता है, FBM भी हम कर सकते हैं, उसमें आपकी मर्जी है। FBA होता है कि आप उसको शिप कर लेते हैं, FBM आप इधर से कर लें, जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी। देख रहे हैं दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, योर फुलफिलमेंट, Amazon फुलफिलमेंट, ठीक है। अब ये देखें,
कि दोनों की अमेजोन पे सेल करने की फीस भी है। ये देखिए आप जब यहाँ पे करेंगे टू सेल ऑन अमेजोन मार्केट प्लेस यू पे है रेफरल फीस एंड क्लोजिंग फीस, ठीक है। तो ये अमेजोन पे फिल करने की 1.22 पाउंड वो इस पे, ये हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है तो वो करें, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, अब शिप टू अमेजोन कॉस्ट, अमेजोन तक जाने की भी तो कॉस्ट है ना, हमने अमेजोन तक पहुँचाना है। हम इसको अगर कर लेते हैं वन करके देख लेते, अब देखें अब आप भी हमारे पास यहाँ पे लॉस है, यानी कि ये अगर हम इसको फुलफिलमेंट खुद करेंगे तो हमें ये लॉस होगा अगर अमेजोन करेगा, क्योंकि अमेजोन की फीस ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग खुद करेंगे तो ये हमारे पास इसमें प्रॉफिट आ सकता है। इसी तरह हम कोई और प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फिर हम इसको एस्टिमेट करते रहते हैं। अगर हमारे पास ना हो, अगर हमने प्रोडक्ट ही कोई न्यू बनानी हो, हम कर लेते हैं 10, पहले अमेजोन पे वो बड़ी ना हो, 10x10x10 इंच प्रोडक्ट का वेट हम कर लेते हैं पाउंड्स में 3.2। कैटेगरी पर उसकी सिलेक्ट करते हैं किस कैटेगरी में सिलेक्ट करना है, क्लोथिंग होगी, डीवीडी इलेक्ट्रॉनिक होगी, फर्नीचर की होगी, क्या होगी, हम इसमें होम एंड गार्डन कर लेते हैं, ठीक है। उसका एस्टीमेट ये आगे एस्टीमेट, इसमें हम फिर अपनी मर्जी से कर लेते हैं। आगे तो हमने एक उस सर्टेन प्रोडक्ट का किया था ना, अब इसमें हम अपनी मर्जी की प्रोडक्ट की जो मर्जी लिखने सारा कुछ कर लें, लेकिन उसमें क्या आ गया कि अगर हमने 2.3 पाउंड वजन और 10x10x10 का हमारे पास उसकी डायमेंशन हो, तो उस पे जो अमेजोन अपनी फुलफिलमेंट फी चार्ज करेगा, अमेजोन जो उसको शिप करने की फी चार्ज करेगा वो $11.32 होगी, और जो इसमें अमेजोन की सेलिंग ऑन अमेजोन की फीस है इस पे वो 0.30 वो कम है, लेकिन इसके ऊपर जो उसको वो करनी है हमने प्रोडक्ट वो डिलीवरी की चार्जेस $11.32 लेगा। तो इसलिए हम जब भी प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो प्रोडक्ट है वो छोटी से छोटी डायमेंशन और कम से कम वेट वाली करें, ताकि हमारा जो होगा वो कम हो, यानी कि ये डिलीवरी चार्जेस वगैरह कम हो। अब देखें कि अब इसमें ना हम अगर ये डायमेंशन 10x10x10 ने, ये बड़ी चीज़ है, मैंने उसके वेट कम भी करके 2 पाउंड भी किया, लेकिन उसकी वो फीसिस वही रही 7.32। इसका मतलब ये है कि आपको डायमेंशंस भी छोटी देखनी पड़ेगी, कोई 10x10x10 का बॉक्स बड़ा होता है तो अमेजोन उसकी फीस और चार्ज करता है, छोटे बॉक्स की फीस और चार्ज करता है। हम इसको 5x5 का कर लें और आप इसको हम एस्टिमेट करते हैं, तो वो देखो इसका 4.95 आ गया, इतनी उसको डॉलर चार्ज करेगा। अगर हम इसका देख लें आप वेट, हम इसका 2 था, हम इसका 3 भी करके एस्टिमेट करें तो देखो 5.68 गया, थोड़ा सा हाई गया, लेकिन जब हम इसको ये डायमेंशंस को बढ़ाएंगे ना, डायमेंशन बढ़ेंगे, अगर आप यही 3 पाउंड पे हम 10x10 का कर देंगे तो वो डायमेंशन का आप देख लेना कितना, यानी कि उसका वेट का फर्क पड़ेगा। ये देखिए एस्टीमेट करेंगे तो वो दोबारा 11.32 पे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है होलसेल में, ऐसे होता है कि हम इसको ना डिफरेंट चीजों को करके एफपी को कैलकुलेट कर लेते होते हैं। उसके बाद हम बेसिकली आ जाते हैं पीएल, होलसेल मतलब फायदा एफबीएम में है ज्यादा, फायदा एफबीएम में भी है। एफबीएम में ये है कि आपको वो खुद सेंड करना पड़ता होता है, फायदे की बात नहीं, ये देखो ना कि हमने प्रोडक्ट की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट क्या पता है एफबीए में फायदेमंद हो या एफबीए में फायदेमंद हो, लेकिन एफबीए में काम भी तो मुश्किल है ना आपको। वो देखो पहले तो आपको इस तरह पड़ेगा ना, अब तो आप इस तरह करते हो समझ लो फैक्ट्री वालों को पैसे ट्रांसफर किए, तो जिस तरह का समझ लो पाकिस्तान का साहब ले लेते हैं कि आपने जिस तरह ऐसे किया कि आपने दराज में काम करना है, आपने यहाँ से भाई सियालकोट से कोई चीज दी है, सियालकोट वाले फैक्ट्री वाले को फोन किया कि भाई तेरे ना अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए फैक्ट्री के अकाउंट में, इसको कराची के वेयर हाउस में पहुंचा दो आप लोग फ्री, ठीक है। वहां से दराज वाले जाने, कस्टमर जाने, ऑर्डर आना है
दराज पे जाना है, उन्होंने करना है, पैक करना है, शिप कर देना उधर, ठीक है। आपने बस बैठे देखे, जिस दिन पता लगा जी हाँ भी मेरे पास तो अब 20 यूनिट रह गए, तो 20 यूनिट से मेरे 2 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे, दोबारा पैसे ट्रांसफर किए उनको, भाई पैसे आ गए माल भेज। FBM में ये होगा कि पहले आप फैक्ट्री से माल मंगवाएंगे, उसको अपने पास किसी अपनी जगह पे रखेंगे, उसको आप खुद हैंडल करेंगे, उसके बाद हैंडलिंग के बाद आप उसको ये करेंगे कि आप शाम को बैठ के देखेंगे हाँ भी हमें कितने ऑर्डर आए, फिर आप उतने वो यूनिट्स निकालेंगे, उनको पैक करेंगे, फिर अकेले अकेले सेंटर का जहाँ कस्टमर का हम एड्रेस निकाल, वहां से कंप्यूटर से उसके वो बार कोड निकालेंगे, जो उसका एड्रेस होगा स्टिकर हो उसको पेस्ट करेंगे, उसके ऊपर उसको पैकिंग करेंगे, फिर सेंटर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, फिर उसको कॉरियर वाले ऑफिस में जाएंगे, उसको वहां पे पकड़ाएंगे, उसको वहां पे शिप करेंगे। तो ये देखो इतना आपका काम भी तो बच रहा है ना, इस वजह से होता है कि हमने वो भी तो वो खर्चा तो हमारा उसमें भी आता है, तो इसमें वो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अब ना हम इसमें आए थे व्हाट इज पीएल, कि पीएल क्या होता है, पीएल प्राइवेट लेबल होता है, इसका तो सबको पता होता है, और इसमें हमने बेसिक काम क्या करना होता है, जो कि हमें सबसे पहला काम होता है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। सबसे पहले आपने डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट को हंट करना होता है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है, फिर हमें लिस्ट करना होता है, हम जो इसमें डिफरेंट टूल्स, अब आपको मैं बताता हूँ, ये देखो ये आपको ये नजर आ रहा होगा JS, ठीक है, ये जंगल स्काउट होता है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एक गूगल की एक्सटेंशन होती है जो कि हम यूज करते हैं ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक होता है मार्केट इंटेलिजेंस के नाम से, ठीक है, वायरल लॉन्च कहते हैं हम इसको, ठीक है, Helium 10, ये होता है हमारे पास, हमने इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक गूगल की एक्सटेंशन होती है, इन चीज़ों को हम यूज़ करके हम फिर उसको अपने आगे करते हैं। तो हमने इसको प्रोडक्ट हंटिंग में फिर डिफरेंट चीज़ों को देखना होता है, जंगल स्काउट को यूज करके हम लोग देखते हैं कि हाँ जी भी इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, इसमें कितने रिव्यूज आ रहे हैं, इसमें FPA कर रहा है, FPM कर रहा है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखना होता है इसके अंदर, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगले ऑप्शन में जाना होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग में, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग में हम लोग ने देखना होता है कि वो प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिल रही है, सस्ती मिल रही है, कैसे मिल रही है, कितने की मिल रही है, उसके प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, टेस्ट क्या है, ठीक है। उस सब के बाद फिर हमें जाना होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट हंटिंग है, फिर सोर्सिंग है, हंटिंग से भी लंबा प्रोसेस है, कि पहले आपने ढूंढना है हमें कहाँ से मिलेगी, अच्छी मिलेगी, फिर उसका सैंपल मंगवाना है, सैंपल को हम लोगों ने चेक करना है, ठीक है, उसको सैंपल को हम लोगों ने प्रॉपरली चेक करना है कि हाँ जी जो हमारा सैंपल है वो हमारे प्रोडक्ट की उसे मैच भी कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, क्या हमारा जो उसकी क्वालिटी से बुरी तो नहीं है क्वालिटी, क्योंकि अगर क्वालिटी हमारी दूसरे से क्वालिटी से कम होगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारा वो नहीं होगा, हम अपने कंपेटिटर को कम्पीट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम सोर्स करते हैं, फाइंड करते हैं, फिर हम उसके प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने से पहले हम अपना सामान लिस्ट करते हैं, फिर उस लिस्ट करने के बाद हम अपना जो स्टॉक होता है वो अपना अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं, फिर वहां से हम फिर उसको लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, फिर उसको चलाने के लिए अपवर्ड रैंक करने के लिए हम डिफरेंट कंपेन्स चलाते हैं, PPC कंपेन चलाते हैं, सारा कुछ हम उसमें करते हैं। तो ये सारा कुछ ना एक प्रॉपर एक लंबा मेथड है, लेकिन एक लंबे मेथड से हम आराम से इसको चलाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, लेकिन यार ये पूरा ना एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो इसको हम अपना इंशाल्लाह ताला कल को हम 8 बजे इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप इंशाल्लाह, आज तो मैं लेट हो गया, मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, तो फिर हम उसमें कल के हो ना प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम कल को ये 2 लेक्चर्स में, ये इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, डिफरेंट मार्केट्स को कैसे देखना है, उसमें हम लोगों ने किस किस चीज़ को देखना है प्रोडक्ट को हंट करते हुए, क्या चीज़ें यूज करनी है, क्या एक्सटेंशन यूज करनी है, सारा कुछ उसको हम कल को देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, आज वाले में इतना बहुत है ना आज के लिए, कि कुछ और पूछना है, क्वेश्चन वगैरह है तो आप बता दो, कि चीज की नहीं समझ लगी है, कोई और अमेजोन के बारे में कुछ चीज पूछनी है जो आज के लेक्चर से रिलेटेड ना हो। होलसेल का बता दें जरा ना दोबारा। होलसेल जो होता है ना, ये यानी कि जिस तरह होलसेल में ऐसा होता है एक्चुअली ना, मेरे पास ना अभी ना जो सेलर सेंटर है ना अमेजोन का, उसकी ना सेस नहीं पड़ी, मेरी चाइल्ड एक्सेस ली हुई थी लेकिन ना वो खत्म हो गई है,
उसमें ये होता है कि होलसेल में कि आप किसी की बनाई हुई प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है ना, आप उसको मीटू कर लेते हैं। यानी कि मीटू का मतलब होता है कि आप उसको सारी चीजों को वैसे ही, यानी कि आपने पहले देखा ना, वो उसने किसी ने वो पीएल बनाया, प्रोडक्ट को क्रिएट किया, एक तरह से अपना स्टोर बनाया, उसको रैंक किया, ऊपर लेके आया, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हमें ये सारे काम करने पड़ता ही नहीं है, हम जाते हैं और किसी और के साथ स्टिक हो जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे अगर देखें ना, अगर हम यहाँ पे आकर सर्च करते हैं, किसी भी चीज को हम सर्च करके देख लेते हैं, क्या चीज तो मीटू आप हर प्रोडक्ट में कर सकते हैं। नहीं, हर प्रोडक्ट में जो अलाउड करते हैं। अब ये देखेंगे टेबल मैट, ठीक है। अब इसको कितने बंदे सेल कर रहे हैं, अब हमने टेबल मैट लिखा तो अब ये देखें ना ये कितने जा रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे आके देखो तो आगे 7 तक पेजेस भी हैं, तो अब 7 पे भी तो कोई बंदा बेच रहा होगा ना, 3 पे भी तो कोई बंदा बेच रहा होगा। तो अगर आप देख लो कि अगर ये इन सब ने, जो ये बंदा 1 पे आया है, इसने पहले प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट की है, ये सारा ये देखें, ये 1 पे बैठा है बंदा, इसने ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट की है, इसके बारे में सारा कुछ लिखा है, ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन दी है अबाउट दिस आइटम, सारा कुछ किया है, ठीक है। और फिर इसने इसको मेहनत की है इसको ऊपर लाने के लिए, उसने इस पे पीपीसी कंपेन चलाई है, अपने कीवर्ड को रैंक किया, सारा कुछ किया है। लेकिन अगर यही किसी ब्रांड का वो कर रहा होता इसी तरह, तो हमें होलसेल में तक हम इस सारी जो खपते से बच जाते हैं, हम सिंपली जाके इसको मीटू कर लेते हैं। लेकिन मीटू पीएल वाला अलाउड नहीं करता बंदा, जो प्राइवेट लेबल कर रहा है ना, जिसने आपने मेहनत की, भी मीटू अलाउड नहीं करेंगे कोई बंदा आपसे जाके चिपक के भेजना शुरू कर दे। मीटू सिर्फ वही अलाउड करते हैं कि जो डिफरेंट होते हैं ये हमारे वाले, यानी कि जो डिफरेंट होते हैं हमारे साथ के ये ब्रांड्स, जैसे कि वो स्टेशनरी का ब्रांड हो गया, पियानो हो गया, वो तो बेच रहा है, वो जो मर्जी बेची जाए उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम उसके साथ मीटू कर लेते हैं, उसकी लिस्टिंग क्रिएट हुई भी है, या कोई और बड़ी चीज है, जैसे कोई सोनी है, सोनी के कोई अप्लायंसेस बिक रही हैं, या एलजी सैमसंग के अप्लायंसेस बिक रही हैं, उसके साथ मीटू कर सकते थे। प्राइवेट लेबल मीटू करने नहीं देगा कभी भी आप वो आप। प्राइस का बता रहे थे कि कम प्राइस में देखेंगे हम, तो वो प्राइस क्या? ऐसे ही होता है ना, ये देखो ना, अब ये समझ लेते हम, तो फॉर एग्जाम्पल ये करो, ये देखें ये बेच रहा है, उसकी लिस्टिंग प्राइस इसका आउट ऑफ स्टॉक हो गया, समझ लो ये 18 का, 19 पाउंड का बेच रहा है ये बंदा, ये वाली चीज को हमें यही सेम चीज समझ लो वॉलमार्ट पे 10 की मिल रही है, और इस बंदे ने मीटू अलाउड किया हुआ, ठीक है। तो हम 12 रुपए की बेचना शुरू कर देते हैं अपना प्रॉफिट निकाल के। तो ये होता है होलसेल में कि हम दूसरे से उसकी सस्ती बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। बाकी अब ये मीटिंग का टाइम लेस